नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। माँ बाप भाई को गोली मारने वाली चार आरोपियों के घरों पर चला बुलडोजर। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव में बुधवार रात करीब तीन दूसरे संप्रदाय के मुस्लिम पिता नन्ने आले हसन सुलेमान ने शिवपुरी निवासी सुनील कुमार के घर में घुसकर सुनील, उसकी पत्नी प्रभा, बेटा प्रद्युमन को गोली मारकर घायल कर दिया। शुक्रवार दोपहर 2 बजे मुंडा पांडे पुलिस तथा रासव टीम 2 JCB लेकर चार आरोपियों के घरों पर पहुंची और ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर आरोपियों ने मकानों का निर्माण कराया था। 1 घंटे चले बुलडोजर कार्यवाही से घरों को तहस नहस कर दिया गया। सर, मुंडा पांडे में आज जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तीन आरोपियों पर हुई है, क्या मामला? देखिए, 26/27 की रात्रि को एक सूचना मिली थी जिसमें कि एक परिवार के परिवारजनों के ऊपर फायरिंग की सूचना थी। पुलिस के द्वारा, सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल पर जाया गया, निरीक्षण किया गया। इसके संबंध में एक अपहरण के प्रयास का प्लस 307 का इसमें मुकदमा लिखा गया। तीन परिवारजनों को फायर आर्म इंजरी सस्टेन किया। इसके संबंध में कठोरतम कार्रवाई के लिए इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उस पर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है और इसमें क्राइम की गंभीरता को देखते हुए ना सिर्फ पीड़ित के विरुद्ध क्राइम है बल्कि ये स्टेट के विरुद्ध भी क्राइम है और इसमें जो दूसरे हमारी एजेंसीज हैं वो सभी भी इसमें गहनता से देख रही हैं। इसी के क्रम में राजस्व विभाग के साथ मिलकर जो उनके द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया गया था उसको गिराया गया है और इस प्रकरण में और ज्यादा कठोर कार्रवाई जनपदीय पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, पुलिस पे भी कोई कार्रवाई की गई है, थाना प्रभारी या हल्का कमिश्नर जांच के खिलाफ? देखिए, इस संबंध में बेसिकली जो थाना प्रभारी है उनको निलंबित किया गया है और जो पूर्व में एक प्रकरण और था इसी मामले से रिलेटेड, उस टाइम पे जो तत्कालिक थाना प्रभारी थे उनके अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु रिपोर्ट जनपद रामपुर में भेजी गई थी जहां पर उनका भी निलंबन किया गया।